नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस वेट है। गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में फ्री वीपीएन का यूज कैसे कर सकते हैं। या दोस्तों सिस्टम में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में आप कैसे फ्री वीपीएन का यूज कर पाते हैं, ये तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है। साथ ही साथ वीपीएन क्या होता है और वीपीएन का यूज हम क्यों करते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको पूरी जानकारी दे रखी है। इसलिए मैं आपको शॉर्ट में डायरेक्ट ये बताने वाला हूं कि मोबाइल में आप फ्री वीपीएन कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट अपने फोन में और देखते हैं फ्री वीपीएन का यूज कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर मैं अपने एंड्रॉइड फोन में आ गया हूं। यहां पर हम प्ले स्टोर पर चलते हैं और यहां पर आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम है ओपन वीपीएन, OPEN। ठीक है, मैं ये टाइप करता हूं और ओपन वीपीएन यहां पे सजेशन में आ गया है। ओपन वीपीएन यहां पे आप देख सकते हैं, सेम ऐप आपको यहां पे इंस्टॉल करनी है अपने फोन में। तो यहां पर हम ओपन वीपीएन ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा इसके डाउनलोड हैं। ठीक है, तो हम वेट करते हैं ओपन वीपीएन कनेक्ट इस ऐप के डाउनलोड होने का। आप इसका आइकन देख लीजिए, इस सेम आपको ये ऐप ही डाउनलोड करनी है। ठीक है, ऐप डाउनलोड हो गई है, इंस्टॉल हो गई है, देन जस्ट इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इसके टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यानी कि क्या क्या डेटा ये शेयर करेगा एक्सेट्रा, तो हम इसको एग्री कर देते हैं। और एग्री करने के बाद यहाँ पे आपके पास 2 टैब्स आ रहे हैं, URL और फाइल, यानी कि जो VPN की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो आपको यहाँ पे शेयर करनी है। ठीक है, इंपोर्ट करनी है। तो यहाँ पर अगर आपके पास URL है तो आप URL शेयर कर सकते हैं, फाइल है तो फाइल कर सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हमें यहाँ पर चाहिए, हमें एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल चाहिए जो डायरेक्ट इसमें कॉन्फ़िगर हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर अपने ब्राउज़र में चलते हैं। यहाँ पर आपको अपने फ़ोन में जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं वो ओपन करना है और डायरेक्ट सर्च करना है vpngate.net। ठीक है, इस वेबसाइट पर आपको जाना है, vpngate.net। इस वेबसाइट पर हम जाते हैं और जाने के बाद आप इसका इंटरफेस देख लीजिए। जब मैंने आपको सिस्टम से फ्री वीपीएन यूज करना बताया था तो तब भी मैंने आपको सेम वेबसाइट बताई थी। इस वेबसाइट को आप देखिए, जूम करके मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर काफी सारी फिजिकल लोकेशन के वीपीएन आपको मिल जाते हैं, काफी सारी कंट्री के वीपीएन आपको यहां पे मिल जाते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं जापान, ये फिजिकल लोकेशन है और ये इतने सारे वीपीएन सर्वर्स आपको मिल रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, और भी नीचे आपको कंट्रीज मिल जाती है। यानी कि जिस कंट्री का, जिस फिजिकल लोकेशन का आपको वीपीएन चाहिए हो वो आप यहां से चूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कंट्री, फिजिकल लोकेशन। देन आपको क्या करना है, यहां पर थोड़ा सा साइड में आना और यहां पर ओपन वीपीएन का यहाँ पे आपको एक कॉलम मिलेगा जिसमें आपको कंट्री वाइज कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिलेगी। आप देख सकते हैं ओपन वीपीएन कॉन्फ़िग फाइल। तो यहां पर आप जिस भी फिजिकल लोकेशन के वीपीएन सर्वर से आप कनेक्ट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन की आप वीपीएन, ओपन वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन फाइल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, देन यहां पर थोड़ा जूम करके मैं आपको बताता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं दी डॉट ओवीपीएन फाइल विच इज इंक्लूडिंग DDNS होस्ट नेम, आपको ये फाइल यहां से डाउनलोड करनी है। सेम यहां पर मैंने यहां पे टैप किया और इस फाइल को डाउनलोड कर लिया। ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये फाइल ऑटोमेटिकली ओपन वीपीएन में इंपोर्ट हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो आप इसको ओपन वीपीएन ऐप द्वारा ओपन करेंगे। ठीक है, इंपोर्ट हो गई। देन यहां पर नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट आफ्टर इंपोर्ट, इसको मैं चेक कर देता हूं जिससे कि इंपोर्ट करने के बाद डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए। ऐड किया, ऐड करने के बाद कनेक्शन रिक्वेस्ट यहां पे आ रहा है, ओके करेंगे और यहां पे आप देख सकते हैं कनेक्शन के लिए लोडिंग होने लगी है। ठीक है, थोड़ी देर लोडिंग होगी, यानी कि 2-4 सेकंड लोडिंग होगी। देन इसके बाद आपका जो फोन है वो वीपीएन नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कनेक्शन स्टेटस, डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड यहां पे आने लगी है, कितने टाइम यहां पर कनेक्ट हुए हो गया है, ये भी सभी इंफॉर्मेशन यहां पे आ रही है। ऊपर आप देख सकते हैं वीपीएन का आइकन भी आ गया है। ओके, अब मैं आपको यहां पर गूगल पर वेबसाइट भी विजिट करके बता देता हूं। सपोज मैं हम चेक कर लेते हैं कि हम इसका यूज कर पा रहे नहीं कर पा रहे, तो वीपीएन सर्वर से कनेक्टेड है, गूगल हम ओपन कर लेते। आप देख सकते हैं गूगल मैंने सर्च किया तो यहां पर जो वेब रिजल्ट है उनमें google.com आ गया है, देन गूगल का होम पेज भी हम ओपन कर पा रहे हैं। तो गाइस इस तरीके से हम बहुत आसानी से फ्री वीपीएन को अलग अलग फिजिकल लोकेशन के हिसाब से, या फिर जो फिजिकल लोकेशन आप चाहें और जो वीपीएन गेट की वेबसाइट पर आपको मिल रही है उसके हिसाब से हम उस पर्टिकुलर वीपीएन सर्वर से अपने फोन में फ्री वीपीएन का यूज करते हुए इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से कोई यूजर अपनी आइडेंटिटी छुपा सकता है। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।